बिफोर वी गट इन टू द रिव्यू एज यूजल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेक शोर विद द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइक ऑन ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो ड्रॉप करूँ आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना एंड यू लाइक द वीडियो मेक शोर टू विदक बटन एज वेल विद दैट बींग सेड लेस जस्ट गेट राइट इन टू द रिव्यू सो लेट स्टार्ट विथ लिर लकी अली एंड आई पी सिंग हेयर हैव डन दिस ब्यूटिफुल थिंग जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक में रिसेंटली मिसिंग थी वो है स्टोरी टेलिंग आपको जीवन के एक कॉन्सेप्ट के बारे में फ़िलासफी के बारे में भी बता रहे हैं बट आपको एक पूरी कहानी लिरिक्स में ही नजर आ जाती है अगर आप उसको वीडियो के साथ न भी सुने तो एंड दिस इज प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट लिरिक्स हैर्ड इन अ लॉन्ग वाइल बॉलीवुड हो या नॉन बॉलीवुड सब पकड़ के हिंदी में इससे अच्छे लिरिक्स मैंने बहुत दिनों में नहीं सुने आ, उसकी कई आते हैं तो पहले ये है कि लफ्स जो हैं वो सारे सिंपल हैं ऐसा कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है पर जो बात कही जा रही है वो बहुत गहरी ऐसा लिखना मुश्किल होता है आसान लफ्ज़ों में मुश्किल बात कहना बहुत मुश्किल होता है एंड दे हैव डन अ बैंग अप जॉब ऑफ दैट सेकेंड थिंग हर लाइन प्रोफाउंड है वो कुछ कह रही है आपसे ऐसी कोई फिलर लाइन नहीं है मेरी फेवरेट लाइन इसमें ये है कि आ, ये काले अंधेरे जो हैं ये जो जो भी परेशानियां हैं ये सवेरे आके उसी में घुल मिल जाती है ऐसा नहीं बोला कि सवेरे के आने के वजह से वो मिट जाती है सवेरे में वो घुल मिल जाती और अनदर ब्यूटीफुल लाइन इसमें कोरसड सेलबेरी से इंतज़ार और तमन्ना हर कदम साथ चले तो अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिली उसका इंतज़ार है किसी इंसान का चीज़ का किसी वाक्य का इंतज़ार है आपको किसी हैपनिंग का तो उसके साथ होप भी तो है कि शायद हो जाएगा उसके साथ इच्छा भी तो है कि आप चाहते हैं वो हो तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है कि इंतज़ार है इसीलिए है क्योंकि किसी चीज़ के आपको एक्सपेक्टेशन है तो वो एक्सपेक्टेशन में आप रेवल कर सकते हैं एब्सोल्युटली वेल रिटन लिरिक्स मैं इस गाने को लिरिक्स के लिए कम से कम और पाँच छः बार सुनने वाला हूँ ना लेट्स टॉक अबाउट द वोकल परफॉर्मेंस सो दिस मैन इज़ प्रैक्टिकली माई चाइल्ड हुड राइट अगर आप नाइन्टीज़ में पैदा हुए तो लकी अली की आवाज़ से आप बच नहीं सकते और उस आवाज़ की जादू से आप बचे नहीं होंगे यू वुड ऑल बी रियली रियली फेमिलियर विद हिज वॉइस और उनका टोन ही एकदम अलग है विच टेल्स यू कि लकी अली है खैर uh, गायकी ज़रा सी मुश्किल है कहीं कहीं पर वेर ही हैजू गो इन टू दैट हायर रजिस्टर ही पुल्ज ऑफ एफर्टलेसली कॉम्पोजिशन वाइज फ्रेजिंग कहीं कहीं पे बहुत सिंपल है बट पॉप सॉन्ग में जहाँ आपको इतना प्यारा सा मैसेज उन्हें पहुँचाना है तो वो बहुत गायकी दिखाएँ या बहुत वोकल एक्रोबैटिक्स करें ऐसा तो नहीं होगा सिंपल फ्रेजिंग में आप तक बड़ी बात पहुँचानी थी उनको तो इस लिहाज से कॉम्पोजिशन थोड़ा सिंपल है स्ट्रक्चर वाइज कॉम्पोजिशन में एक एंड में कॉम्प्लेक्सिटी आती है मैं उस पर आता हूँ मेनली वर्स कोरस वर्स कोरस वाला फॉर्मेट है वेस्टर्न फॉर्मेट है और बहुत अच्छी से उन्होंने निभाया है बट टूवर्ड्स दी एंड जब एक कोरस पोर्शन आता है उसके बाद गाने का सुर यानी पिच स्केल चेंज हो जाता है मैं सिर्फ अपने ईयर से जा रहा हूँ मुझे लगता है इट इज़ एन ऑक्टिव जंप यानी ट्वेल्व हाफ टोन्स या पूरा उसी पिच पे एक ऑक्टिव हायर वो चला जाता है तो आई थिंक दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक यूज टू पुट सम मोर एनर्जी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सॉन्ग और एक वेरिएशन लाने के लिए तो इस तरह से वोकल परफॉर्मेंस एंड कॉम्पोजिशन बोथ आर अगेन एब्सोल्यूटली टॉप नॉच ना लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द सॉन्ग सो माइकी मैक्री हियर इज द प्रोड्यूसर ऑफ द सॉन्ग ही हैज़ वर्कड लॉर्ड इन द पास्ट विद लकी अली एज वेल उन्होंने विशाल शेखर के साथ बॉलीवुड में काम किया है बॉलीवुड के बहुत बैकग्राउंड स्कोर्स वो करते रहे हैं बट बीच में एक हाथ प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए थे जो काफ़ी पॉपुलर हुए थे फॉर एग्जांपल द बार टेंडर प्रोजेक्ट जहां पुराने गानों को एक जैजी में में री किया था पर्सनली आई वॉज नॉट अ पिग फैन ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्बम बट अदर देन दैट ही एस ए स्टेलर करियर और बहुत कमाल का काम करते हैं इस गाने में भी बहुत से एलिमेंट्स हैं आपको गिटार सुनाई देंगे आपको स्ट्रिंग सुनाई देंगे ड्रम ग्रूव है लेकिन वो हालांकि सिंपल है बट उसमें हर सेक्शन में ड्रम ग्रूव में वेरिएशन है काफ़ी साउंड इफ़ेक्ट्स हैं और बहुत छोटे छोटे म्यूजिकल एलिमेंट्स हैं जो पीछे हैं जब गाने में मेन ग्रूह बंद होता है ट्रांजिशन के टाइम पे तब भी ये छोटी छोटी चीज़ें पीछे चलती रहती हैं जैसे नायलॉन स्ट्रिंग uh, गिटार की आवाज़ आपको आती रहती है या कोई छोटा साइड परकशन है वो सुनाई देता रहता है या स्ट्रिंग्स हैं या दूसरे पैड्स हैं गान, गाना हमेशा भरा हुआ लगता है खाली कभी लगता नहीं इंस्पाइट ऑफ नॉट बीइंग टिपिकल बॉलीवुड काइंड ऑफ यू नो प्रोग्रामिंग ये एक पॉप सॉन्ग है इसमें खाली आप रख सकते थे गाने को पर नहीं बहुत थिक साउंड है बहुत भरा हुआ लगता है गाना एंड जस्टिस करता है प्रोडक्शन उस कॉम्पोजिशन को सो प्रोडक्शन भी बहुत ही कमाल का है ओवरऑल दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स आई हर्ड इन अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम द इंडियन इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन एंड अफकोर्स लकी अली होल्ड्स स्पेशल प्लेस इन ऑल ऑफ आर आर्ट्स सो ऑल एंड ऑल ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत टाइम तक ये मेरे प्ले लिस्ट पर रहेगा सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, सो दैट व्हेनेवर आई ड्रॉप अ न्यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड क्विकली और आप उसको देख सकें सो थैंक्स अलाट फॉर वॉचिंग आई सी यू ऑल इन अनदर वीडियो बाय